दुनिया में पीर पैगंबर वली अल्लाह ऋषि मुनि कोई भी हो, सबको जोड़ने वाला एक रिश्ता है, वो है माँ का रिश्ता। सबकी माँ है, माँ का रिश्ता पाक रिश्ता है। जरा गौर करें, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी माँ दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर गई है, वो अपनी माँ को देखने को तरसते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी माँ है लेकिन वो अपनी माँ की बातें नहीं सुनते हैं, बीवी के भड़काने पर अपने बूढ़े माँ बाप पे जुल्म करते हैं। आप लोग अपने नजरिए से सोचिए और सुनिए। कोई भी शय मुझे आंखें दिखा नहीं सकती, मेरे वजूद को दुनिया मिटा नहीं सकती। दरूद पढ़ के मेरी माँ ने दम किया है मुझे, कोई बला मेरे नजदीक आ नहीं सकती। किसमें ताकत है कि आवाज दबाए मेरी, किसमें ताकत है कि आवाज दबाए मेरी। वो जिधर होते हैं आलम भी उधर होता है, और जिसको माँ बाप ने खुश होकर दुआएं दी हो उसकी हर बात में जादू का असर होता है। बन के सारी हयात काटी है, दिन भी काटा है रात काटी है। बन के सारी हयात काटी है, दिन भी काटा है रात काटी है। और माँ के कदमों में सो के ऐसा लगा, माँ के कदमों में सो के ऐसा लगा जैसे जन्नत में रात काटी है। क्या बात है, कहाँ रहमत बरसती है खुदा की जान लेता है, कहाँ रहमत बरसती है खुदा की जान लेता है कि बच्चा खुशबुओं से माँ को पहचान लेता है। कहाँ रहमत बरसती है खुदा की जान लेता है कि बच्चा खुशबुओं से माँ को पहचान लेता है। कोई माँ इस तरह गोद में लेती है बच्चे को कि मोमिन जिस तरह से हाथ में कुरान लेता है। इसमें कहना है जो लेगा मां की दुआएं, हो खुदा की अताएं, करते रहो माँ की खिदमत होगी सब दूर बलाए। ये दामन तो माँ का बस दामन है, माँ है तो क्या गम है।
लगे पेड़ से उल्फत नहीं होती, छाओ की मगर किसको जरूरत नहीं होती। अरे दुनिया का खजाना मिल जाए तो क्या है, माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। इसलिए कहना है जन्नत न मिलेगी तुमको, जन्नत न मिलेगी तुमको, तुम लाख इबादत कर लो, जन्नत का अगर है अरमा, जन्नत का अगर है अरमा, माँ बाप की खिदमत कर लो, जवा होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है। क्या बात है, जवा होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है, जहां तक हो सका वो दूध का कर्जा चुकाया है। अरे हजारों जन्नतें कुर्बान, हजारों जन्नतें कुर्बान उस मजदूर बेटे पर कि जिसने इस गरीबी में भी मां को हज कराया है। पढ़ लो ये हदीसों में है, ये कौल मोहम्मद सच है, पढ़ लो ये हदीसों में है, ये कौल मोहम्मद सच है, माँ बाप अगर खुश है तो एक सवाब हज है, ये दामन दो माँ का बस दामन है, माँ है तो क्या गम है, खुशबू चांद सितारे कहकशा भी साथ है, फूल खुशबू चांद सितारे कहकशा भी साथ है, ये जमी भी साथ है, वो आसमां भी साथ है, इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है घर मेरा, मेरे बच्चों के अलावा माँ भी मेरे साथ है। सरों पे साये रहमत रहे तो अच्छा है, बुजुर्ग सर पे सलामत रहे तो अच्छा है। ये सच किसी तस्बीह के दाने में नहीं है, ममता से बड़ा मोती खजाने में नहीं है, मिलने को तो मिल जाती है दुनिया की हर शय, माँ जैसी कोई चीज जमाने में नहीं है। मुंह तेरा काला हो गया, आए अंधेरे देख मुंह तेरा काला हो गया, माने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। क्या बात है, वाह, माने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, यह ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है।
माँ का प्यार पेश कर रहा हूं। माँ का प्यार देखिए, लोग रोटी रोजी कमाने परदेश जाते हैं, कोई अमेरिका जाता है, कोई लंदन जाता है, कोई दुबई जाता है रोटी रोजी कमाने। आपके रिश्तेदार जमा होते हैं, लोग कहते हैं भाई तुम जा रहे हो ना, बाहर जा रहे हो ना, मेरे लिए अच्छी घड़ी लाना। कोई कहता है भाई तुम जा रहे हो, मेरे लिए चश्मा लाना। कोई कहता है मेरे लिए मोबाइल लाना। लेकिन माँ क्या कह रही है, माँ का प्यार देखिए। फला दोस्त बोला फला चीज लाना, फला भाई बोला फला चीज लाना, फला बहन बोली और फला चीज लाना। मगर माँ ये बोले कि कुछ भी न लाना, कुछ भी न लाना। मेरे लालू वापस मेरे घर को आना, मेरे मेरे भाई। बिछड़ के भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं, बिछड़ के भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं। उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है, अगर पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। क्या बात है, तू जो राजी नहीं तो, माँ तू जो राजी नहीं तो कुछ काम न आए इबादत, दुनिया की हर एक शय से, दुनिया की हर एक शय से बढ़कर है तेरी मोहब्बत। लेकिन मेरे भाई, लोग बड़े उम्मीद से बेटे को पालते हैं, जवान करते हैं, और उनके अरमान ये रहते हैं माँ बाप के कि वो उसके सर पे सेहरा देखे, उसकी शादी देखे। लेकिन जैसे ही शादी होती है क्या होता है, शादी हुई क्या होता है, बाप से बदकलाम करता है वो नौजवान, बाप से बदकलाम करता है और ससुर को सलाम करता है, बाप से बदकलाम करता है और ससुर को सलाम करता है। बेटा देता है माँ को गाली, सास का एहतराम करता है। बेटा देता है माँ को गाली, सास का एहतराम करता है। शादी के बाद क्या हुआ, चेहरे पे झुर्रियों की पहली बदल गई, चेहरे पे झुर्रियों की पहली बदल गई। आई बहू जो घर में हवेली बदल गई, रखता है अब भी अपनी कमाई वो हाथ पर, रखता है अब भी अपनी कमाई वो हाथ पर। ये और बात है कि हथेली बदल गई। ये और बात है कि हथेली बदल गई। लेकिन मेरे भाई कहना है कि माँ का साया, माँ का साया जो उड़ गया सर से, कली जज्बात की खिलेगी नहीं। माँ का साया जो उड़ गया सर से, कली जज्बात की खिलेगी नहीं। अरे औरत दोबारा तुझे मिलेगी, औरत दोबारा तुझे मिलेगी, माँ दोबारा तुझे मिलेगी नहीं। इसलिए कहना है एक बार चली जो जाए,
एक बार चली जो जाए मिलती नहीं फिर ये दौलत, जो माँ के दिल को तोड़े, जो माँ के दिल को तोड़े उसको न मिलेगी जन्नत, एक दूध के कतरे की कीमत, क्या होगी जहाँ की दौलत, एक दूध के कतरे की कीमत, क्या होगी जहाँ की दौलत, तुम माँ को राजी कर लो, तुम माँ को राजी कर लो, खुश होगी खुदा की रहमत ये दामन तो, माँ का बस दामन है, माँ है तो क्या कम है, क्या कह रहा है कि मुझे आंखें दिखाने लग गया है, मुझे आंखें दिखाने लग गया है, मेरा बेटा कमाने लग गया है, मुझे आंखें दिखाने लग गया है, मेरा बेटा कमाने लग गया है। बाप कहता है लड़ने झगड़ने बाप से बेटे निकल पड़े, मेरे भाई लड़ने झगड़ने बाप से बेटे निकल पड़े, शीशे से बात करने को पत्थर निकल पड़े। अरे जिसने भी दुनिया में दिल दुखाया माँ का और बाप का, मरने के बाद उसके कफन से कीड़े मकोड़े निकल पड़े। बस नाम रह गया है, मोहब्बत नहीं रही। बाप कहता है बस नाम रह गया है, मोहब्बत नहीं रही, दुनिया में अब खुलूस की कीमत नहीं रही। बाप कहता है जब मुझ में जर यानी पैसा, जब मुझ में बूढ़ा हो गया ना, जब मुझ में जर कमाने की ताकत नहीं रही, जब मुझ में ये जर कमाने की ताकत नहीं रही, अपने ही घर में मेरी जरूरत नहीं रही, अपने ही घर में मेरी जरूरत नहीं रही। इसलिए कहना है मेरे भाई माँ बाप को दुख ना देना, माँ बाप को दुख ना देना, हर घड़ी खुशी से रखना, माँ बाप से अपने बचो, माँ बाप से अपने बचो, कभी ऊंची बात न करो ना, अपने बच्चों की खातिर, अपने बच्चों की खातिर तू सजदे में रोती है, बच्चों की खातिर तू सजदे में रोती है।
अपने बच्चों की खातिर तू सजदों में रोती है, औलाद सितम भी कर ले माँ, औलाद सितम भी कर ले तू फिर भी दुआ देती है। तू हंसती है तो ए माँ, तू हंसती है तो ए माँ रहमत आंगन बन जाए, तू कर दे माँ जो इशारा, तू कर दे माँ जो इशारा सहरा गुलशन बन जाए, अर्श कांपेगा, जमीन खौफ से थर्राएगी, पल में जाएगी और पल में असर लाएगी, कहरे रब्बी से उसे कौन बचा पाएगा, माँ के दिल से एक अगर आह निकल जाएगी, रहमत भी बया उसके औसाफ करेगी, अजमत से कहा उसकी एराफ करेगी, अरे अल्लाह भी तब तक ना तुझे माफ करेगा जब तक कि तेरी मां ना तुझे माफ करेगी। खोल कर देखिए तारीख जरा, मां से और प्यारा नाम क्या होगा, खोल कर देखिए तारीख जरा, माँ से और प्यारा नाम क्या होगा, अरे जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा, क्या बात है, उसके सर का मकाम क्या होगा। कहना है लोग, ये है हिंदुस्तान के मशहूर फनकार सलीम जावेद साहब, उनके कुछ अशआर पढ़ रहा हूं। लोग अपनी औलादों से रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुश नसीबी है कि अपने पेड़ का फल साथ दे, पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें और माँ का एक टूटा चश्मा नहीं बनवा सके, पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें और माँ का और बूढ़ी माँ का एक टूटा चश्मा नहीं बनवा सके। तो माँ कहती है मेरे बच्चे अगर मेरा टूटा हुआ चश्मा बनवा दिया होता, अगर मेरा टूटा हुआ चश्मा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी, मुझे कब दुनिया देखने का शौक था मेरे बच्चे, लेकिन मैं चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। क्या बात है, जिससे जलती थी चरागों की हवा भूल गए, जिससे जलती थी चरागों की हवा भूल गए, आंधियां डरती थी जिससे, आंधियां डरती थी जिससे वो दुआ भूल गए, बीवी की फरमाइशें बच्चों के खिलौने और अपनी शराब ये तो सब याद रहा, माँ की दवा भूल गए, बीवी की फरमाइशें बच्चों की चीजें और अपनी शराब ये तो सब याद रहा, माँ की दवा भूल गए, अरे होना था जो भी तेरे मुकद्दर में हो गया, ऊंचे महल से निकला तू छप्पर का हो गया, खुश हो रहा था माँ को जो घर से निकाल कर खुश हो रहा था माँ को जो घर से निकाल कर वो बेटा आज शहर में दर दर का हो गया, वो बेटा आज शहर में दर दर का हो गया, क्योंकि बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया, बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया, और माँ ने दुआएं दी तो दवा ने असर किया, माँ ने दुआएं दी तो दवा ने असर किया, एक माँ ऐसी भी, देखिए सच्चाई देखिए, एक माँ ऐसी भी
जिसने किसी मौसम में नहीं रखा अपनी जा का ख्याल, एक माँ ऐसी भी जिसने किसी मौसम में नहीं रखा अपनी जा का ख्याल, सात बच्चे पाल सकती है एक अकेली माँ, सात बच्चे पाल सकती है एक अकेली माँ, लेकिन सात बच्चे मिलके नहीं रखते एक बूढ़ी माँ का ख्याल, सात बच्चे मिलकर नहीं रखते एक माँ का ख्याल। एक बेटा कहता है जिसने पाल पोस कर मुझे बड़ा किया, जिसने पहाड़ पाल पोस कर मुझे बड़ा किया, पकड़ के उसकी उंगली जहां देखी है, और मुझसे जन्नत की ना बातें करो दुनिया वालों, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है माँ देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी है माँ देखी है, इसलिए कहना है आए माँ तू हंसती है तो आए माँ, तू हंसती है तो आए माँ, रहमत आंगन बन जाए, कर दे माँ जो इशारा, तू कर दे माँ जो इशारा, सहरा गुलशन बन जाए, ऐ माँ महबूब है तू नबियों को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वालदा हजरत माँ आमिना का जब हजरत माँ आमिना का जब पर्दा हुआ तो आपको पाला पोसा किसने, माँ दाई हलीमा ने, माँ दाई हलीमा ने, माँ का हुक्म ऐ मेरे बेटे मेरी बकरियां चराने जाओ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के हुक्म पे बकरियां चराने जाते थे। मूसा अलैहि सलाम उनकी माँ का इंतकाल हुआ, पर्दा हुआ, वो कोहे तूर पर जाने लगे, उस पहाड़ पे चढ़ने लगे कोहे तूर पर, लड़खड़ा के गिर पड़े तो आवाज आई, अल्लाह की आवाज आई, ऐ मूसा अब जरा संभल के, क्योंकि तुम्हारे लिए जो हाथ उठते थे दुआ को अब वो हाथ नहीं रहे। तो सोचो एक पैगंबर को माँ की दुआ की जरूरत है तो हम आप कुछ भी नहीं है, इसलिए कहना है ऐ माँ महबूब है तू नबियों को, तू प्यारी है वलियों को, तुझे रब से मिली सौगाते, कुरान में तेरी बातें, ये दामन तो माँ का बस दामन है, माँ है तो क्या हम है, तवज्जो, माँ बाप का दर्जा जानो, माँ माँ हमेशा रहती है बच्चों के प्यार में खोई, माँ हमेशा रहती है बच्चों के प्यार में खोई, और कहती है मेरे लाल से अच्छा नहीं कोई, कहती है मेरे लाल से अच्छा नहीं कोई, माँ रहती हमेशा बच्चों के प्यार में खोई, और कहती है मेरे लाल से अच्छा नहीं कोई। वो सिकंदर बने दारा बने मासूम बने, वो सिकंदर बने दारा बने मासूम बने, माँ जिसे दिल से दुआ दे वही मखदूम बने, इसलिए कहना है मा
अपना बाप का दर्जा जानो, माँ बाप का दर्जा जानो, बादुनगी हमेशा मानो, क्या तुमसे राजी है माँ, क्या तुमसे राजी है माँ, जरा अपने दिल में झांको, तेरा आंचल को, ऐ माँ तेरा आंचल को सहरा में फूल खिलाए, और हौस और हौस पीराने पीर और हौस कलंदर ख्वाजा, और हौस कलंदर ख्वाजा सब तेरे नाज उठाए, सरकार हौस पाक का बचपना है। बगदाद शरीफ से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तालीम हासिल करने जा रहे हैं। माँ ने कहा आए मेरे बेटे तुम जा रहे हो, बस मेरी एक बात याद रखना, मेरी एक नसीहत याद रखना। गौसे पाक ने फरमाया क्या बेटा, कभी झूठ मत बोलना। क्या बात है। माँ ने कहा गौसे पाक से है मेरे बेटे कभी झूठ मत बोलना। गौसे पाक ने कहा ठीक है माँ। आपकी माँ ने 40 दिनार आपकी माँ ने आपके छिप्पे में आपके कुर्ते में सी दी। उस वक्त डाकू बहुत हुआ करते थे। माँ ने सीधी और कहा ऐ मेरे अब्दुल कादर जिलानी याद रखो झूठ मत बोलना, और ये पैसे ये दिनार तुम्हारे काम आएंगे पढ़ाई के लिए। सरकार गौसे पाक पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, रास्ते में डाकू लोगों ने हमला कर दिया, उस काफले पर डाकुओं ने हमला कर दिया, सबकी सामान सबकी चीजें लूटने लगे। गौसे पाक के पास गए और कहा ऐ बच्चे बताओ तुम्हारे पास क्या है। गौसे पाक ने कहा मेरे पास 40 दिनार है। वो डाकू लोगों ने तलाशी ली तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। फिर डाकुओं के सरदार ने कहा है लड़के है बच्चे तुझे डर नहीं लगता, हम डाकुओं से झूठ बोल रहा है, 40 दिनार है, कहाँ है, कहाँ है दिनार। तो गौसे पाक ने कहा मेरे छिप्पे में मेरे कुर्ते में मेरी माँ ने 40 दिनार सी दिए है, 40 दिनार सी दिए है। जब तलाशी ली गई तो 40 दिनार निकले। डाकुओं का सरदार कहता है है बच्चे है अब्दुल कादिर अगर तुम झूठ बोलते तो ये 40 दिनार बच जाते, लेकिन तुमने सच कह दिया। तो सरकार गौसे पाक पीराने पीर फरमाते हैं कि मेरी माँ ने कहा था अरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना। वो ढाकुओं का सरदार जब बचपने का ये आलम देखता है गौसे पाक का तो दिल में ख्याल आता है कि हम लोग कितना झूठ बोलते हैं, हम लोग कितना लूटपाट करते हैं। तभी से उसने कलमा पढ़ लिया, उसके साथियों ने भी कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए कहना है ऐ माँ तेरा आंचल तो, ऐ माँ तेरा आंचल तो सहरा में फूल खिलाए, और हौस कलंदर ख्वाजा, और हौस कलंदर ख्वाजा सब तेरे नाज उठाए। ऐ माँ तेरे रुतबे को
वलियों ने सलामी दी है, और बात है क्या इंसान की, नबियों ने सलामी दी है। ये दामन तो माँ का बस दामन है, माँ है तो क्या दम है, जिसकी मां जिंदा है हाथ उठाए, जिसकी मां जिंदा है वो क्या कह रहा है, करके तीमारदारी जिंदा है, करके तीमारदारी जिंदा है, जिसने दुनिया सवारी जिंदा है, वरना कब के तबाह हो जाते, वरना कब के तबाह हो जाते हैं, शुक्र है मां हमारी जिंदा है। अब जिसकी मां नहीं है, दुनिया से इंतकाल कर गई है, आखिरी बात वो बेटा क्या कह रहा है, ऐ मेरे अल्लाह जुल्मत में अपने नूर की बरकत उतार दे। जिसकी माँ नहीं है वो बेटा कह रहा है, जुल्मत में अपने नूर की बरकत उतार दे, तेरा करम उतार दे, रहमत उतार दे, वो जिसकी दुआओं ने मुझे बख्शी है जिंदगी, ऐ अल्लाह तू उसकी कब्र में जन्नत उतार दे, तू उसकी कब्र में जन्नत उतार दे। इसलिए कहना है तू उसकी कब्र में जन्नत उतार दे, इसलिए कहना है जो लेगा माँ की दुआए, उस पर हो खुदा की अताए, फरमान है प्यारे नबी का, करते रहो माँ की खिदमत होगी सब दूर बलाए। ये दामन तो माँ का बस दामन है, माँ है तो क्या गम है। शुक्रिया शुक्रिया।